नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि अपडेट्स आ रहे हैं कि एग्जाम बीपीएससी का और स्टेट का मार्च में ही होने वाला है, सभी लोग परेशान हैं। एक दो लेटर भी जारी हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी 100% इसकी कोई गारंटी नहीं कि मार्च में ही होने वाला है, क्योंकि अभी बातें चल रही है एक हफ्ता में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक हफ्ते में लमसम क्लियर हो जानी चाहिए, और नहीं तो और भी टाइम लग सकते हैं, एक हफ्ते 10 दिन में। तो 100% तो नहीं है, लेकिन 80% चांस हो गया है कि हो सकता है कि मार्च में हो जाए, लेकिन क्लियर एकदम परफेक्ट 100% नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग परेशान बेचैन है कि कैसे होगा, स्टेट वाले अभी फॉर्म डाले हैं, इन लोगों का एग्जाम में बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी तमाम सारी बातें हैं, और तैयारी कैसे होगी, 2 ही महीने 1 ही महीने हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सर पेड कोर्स नहीं लेते हैं, सर डेली क्लास नहीं ले पा रहे हैं, सर कैसे होगा, बहुत सारे कमेंट्स आए। और किताबों की भी समस्या है, बहुत सारे फोन आते हैं कि सर किताब कैसा ले, कौन सा प्रैक्टिस सेट ले। तो अभी तो मैंने पेड क्लास चालू नहीं किया है, लेकिन आप लोगों की सुविधा और सुविधा के लिए मैं लगातार 10 दिनों से मेहनत कर रहा हूं आप ही सभी के लिए, और इसलिए मैं एक दो दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर डेली क्लास लीजिए, डेली वीडियो डालिए, थोड़ा समय का दिक्कत है, और वैसे भी स्कूल खुल चुका है तो 9 से 3 मैं स्कूल में ही रहता हूँ, ठीक है। तो 9 से 3 में ज़्यादा काल मत कीजिए। एक खुशखबरी आप सभी के लिए है, जो लोग नोट्स चाहते थे, पीडीएफ चाहते थे, या फिर किताब के लिए परेशान थे कि कैसे तैयारी होगी, उनके लिए आज मैं इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर से हम लोग 50 MCQ देखेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, ये सारी बातें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि एस्टेट, ठीक है, एस्टेट का जो यूनिट वाइज सिलेबस है, ठीक है, यूनिट वाइज जो 15 यूनिट है जो सिलेबस एस्टेट का है, उसका मैंने नोट्स तैयार कर लिया है, ठीक है। और इस नोट्स के साथ ही आपको 5 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, 100-100 नंबर का, 500 नंबर का, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। देखिए, आपका पूरा नोट्स, ठीक है, और उसके बाद 5 टेस्ट सीरीज, ठीक है, 5 टेस्ट सीरीज मिलेगा, और प्लस आपको जितना पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को 299 रुपये पेड करने होंगे, ठीक है। जिनको नोट्स चाहिए एस्टेट का, पूरा यूनिट वाइज 15 यूनिट का नोट्स मैंने तैयार कर लिया है, इससे ही आपकी तैयारी भी होगी, और साथ ही एस्टेट के साथ साथ बीपीएससी का भी, अगर एग्जाम मार्च में हो जा रहा है तो ये नोट्स एस्टेट और बीपीएससी दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ ही इसके बाद से अगर एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती है तो वो भी बताया जाएगा और वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने जो एस्टेट का नोट्स है उसको तैयार कर लिया है, ठीक है, और उसको तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगी है। हैंड राइटिंग में मैंने एक एक चीजें खोज कर सर्च करके कई किताबों से मैंने उसको तैयार किया है, ठीक है। तो ये नोट्स और ये 5+ टेस्ट और ये पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ तो सभी के लिए है, ये आपको टेलीग्राम से मिलेगा ये, ठीक है। और इसमें जो लोग नोट्स लेंगे उनको 500 MCQ मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स, 500 MCQ और पीडीएफ, ये 3 चीजें आपको 299 में मिलेंगी। इसके लिए आपको 299 देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगी है, मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। अब चलिए, इस नोट से आपके बीपीएससी और एस्टेट दोनों निकलेंगे। साथ ही मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लाइव भी क्लास लूंगा, एमसीक्यू मैराथन का भी क्लास लेता हूँ, लेक्चर भी देते हैं, उसके साथ ही यूनिट वाइज हम लोग पढ़ेंगे भी। अगर ये नोट्स लेकर
आप लोग निकलवा लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट होता है उसमें बैठने के योग्य हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सारी चीजें बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको नोट्स भी मिल गए, टेस्ट भी मिल जाएंगे, जितना पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ तो सभी के लिए मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ कई दिनों से जा नहीं रहा था, चूंकि मैं काम में फंस गया था। म्यूजिक गैंगवे पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ सॉरी टेलीग्राम है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रही बात नंबर की, तो नंबर तो दिया ही हूं, एक बार और बता देता हूं। और जिनको ये नोट्स चाहिए, नोट्स और टेस्ट सीरीज, वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल हमेशा नहीं, 9 बजे सुबह से 3 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूं, इस पीरियड में नहीं, 3 बजे के बाद शाम में कर सकते हैं और 9 बजे से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर से मैं नंबर बता देता हूं, इस नंबर को नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या है 95 69 36 0 617। कई दिनों से मोबाइल भी बंद हो गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, तो इस वजह से कॉल नहीं आ रहे थे। अब कल से ही मैंने उसको सही किया है, तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट्स लीजिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद से अपना पीडीएफ लीजिए और साथ ही अपनी तैयारी जारी रखिए। 2 महीने का टाइम है, इसी में एकदम लग जाना है, मन लगा के मेहनत करके एकदम नोट्स से, फेयर से, किताबों से, यूट्यूब से, जहां से भी जो मीटर मिल रहा है, एकदम लग के 5 या 6 घंटे आप लोग डेली मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर पीपीएससी और एसटीओ को फाइट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें हो गई और इसके बारे में डिटेल्स हम कल बात करेंगे, कल से नोट्स प्रोवाइड होने चालू हो जाएंगे। तो जिनको लेना है वो कॉल करके बात कर ले और ये 299 फेड कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स जो है ये एक तरह से मैंने एस्टेट की किताब जैसा ही बना दिया है इसको। ठीक है, सारी जो यूनिट वाइज जो है प्रत्येक टॉपिक को मैंने टच किया है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ छूटा नहीं है, 1-2 चैप्टर अगर इधर उधर दाएं बाएं टॉपिक छूटा है तो उसको भी पूरा करवा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या दे दिया जाएगा। उतना ही नहीं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी एस्ट में, जो नोट्स है, जो सिलेबस है, उसके बाद भी, तो उसको भी मैं देखूंगा, जहां आवश्यकता है उसको पूरा करके आप सभी को दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लिए नोट्स, फाइल, टेस्ट और पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको 299 में मिलने वाली है। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप से जुड़े हैं बहुत सारे लोग, और यही नंबर जो है म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम का है। ठीक है ना, ये टेलीग्राम है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। अब पीडीएफ कल से जा रहा है, ठीक है, पीडीएफ अब जाना स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसी चैनल के नाम से ही है, और ये आप अबाउट लिंक में जाएंगे, जैसे यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे, खोलेंगे तो वहां पे ये टेलीग्राम का लिंक, बहुत लोगों को जुड़ने नहीं आता है, वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक मिल जाएगा, इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जिनको नोट्स चाहिए वो कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, आइए ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया, निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। ठीक है, इनमें से मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सा है, मैंने डाला था उसमें कम्युनिटी पोस्ट में, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक से मध्यम ग्राम की मूर्छना नहीं है, उत्तर मंदरा, रजनी, हरिहरस्वा, उत्तरायता। तो ये उत्तर मंदरा, रजनी और उत्तरायता सरज ग्राम की मूर्छना है, इसमें से जो हरिहरस्वा है ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाता हूं इसका नोट्स आपको पीडीएफ
मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना, सारा पीडीएफ जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। और साथ ही जिन लोगों को नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए वो लोग फेड करके अपना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा वाद्य त्रिवेणी वीणा से विकसित हुआ है? सरोद, गिटार, सितार, वायलिन। तो ये जो है त्रिवेणी वीणा से आपका सितार विकसित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु का क्या नाम था? ये तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे, तानसेन का गुरु का नाम क्या था? स्वामी कुंभनदास, स्वामी बल्लभादास, स्वामी हरिदास, स्वामी कालिदास। इसमें स्वामी हरिदास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस राग में दोनों नीस्वरों का प्रयोग होता है? किस राग में दोनों नीस्वरों का प्रयोग होता है? तो भैरव, बिहाग, देश, काफे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, देश। ठीक है, देश में दोनों नीस्वरों का प्रयोग होता है। ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है? किराना, ग्वालियर, आगरा, रामपुर। तो किस घराने से संबंधित है ओमकार नाथ ठाकुर, बताइए? वो है ग्वालियर घराने से। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलंघन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? न्यास का, वादी का, बहुत्व का, अल्पत्व का, ठीक है। ये राग जात के 10 लक्षणों में से है, और अलंघन मतलब बिना लांघे, और अभ्यास ये किसका प्रकार है? तो ये हो जाएगा बहुत्व का, ठीक है ना, बहुत्व, ठीक है, जिसमें बहुत स्वरों का प्रयोग होता है। अल्पत्व में हो जाएगा लंघन और अनाभ्यास, ठीक है। तो बहुत्व में अलंघन बिना लांघे स्वरों को, और अभ्यास से उन स्वरों को गाया जाता है, ठीक है, तो उसको बहुत्व कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें मैंने बताया है राग जात के 10 लक्षणों में। अगला क्वेश्चन दिया है, ठुमरी में कौन से रस प्रधान रहती है? ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहती है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस। तो ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहती है? इसमें आपके श्रृंगार रस प्रधान होती है, याद रखिएगा, ठुमरी में श्रृंगार रस प्रधान होती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? वृंदावन में स्वामी हरिदास, तानसेन, डोरलेन, राष्ट्रीय। तो ये वृंदावन में जो संगीत सम्मेलन होता है वह स्वामी हरिदास के नाम से होता है, ठीक है, फटाफट देखेंगे क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। चलिए, हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? दिल्ली, भोपाल, जालंधर, अमृतसर। किसमें होता है? हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? दिल्ली, भोपाल, जालंधर, अमृतसर। तो हरिवल्लभ जो है ये जालंधर में होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अड़ाना किस रागांग का राग है? मल्हार, बिलावल, कन्हाड़ा, भैरव। तो जो अड़ाना रागांग है वो कन्हाड़ा का रागांग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निशा मा गामा पा किस राग में गाया जाता है? तोड़ी, मुल्तानी, भैरवी, रामकली। तो ये जो स्वर है ये मुल्तानी में गाए जाते हैं, ठीक है, मुल्तानी में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार ताल किस गायकी की ताल है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। चार ताल किस गायकी का ताल है? चार ताल किस गायकी की ताल है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चार ताल जो है ध्रुपद के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए? ध्रुपद के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, टप्पा किस घराने की विशेषता है? टप्पा किस घराने की विशेषता है? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, बनारस। तो टप्पा जो है ये ग्वालियर घराने की विशेषता है, ठीक है, दिल्ली में भी होता है इसका, लेकिन ज्यादा ग्वालियर के लिए। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। तो सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है ठुमरी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, बाला साहिबा पूंछ वाले किस गायक के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ठीक है। तो बाला साहिबा पूंछ वाले ये ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। साणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, साणा चतुष्टयी किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम संगीत मकरंद, संगीत दामोदर, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पुराना जो शास्त्र है नाट्य शास्त्र है,
इससे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 मात्रा की ताल का नाम है, क्या नाम है? अड़ाना चार ताल, फरदोस ताल, मत ताल, पंचम सवारी। कई बार बताया हूं 15 मात्रा की ताल जो है वो है पंचम सवारी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, त्यागराज भारत के किस भाग से थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो त्यागराज जो थे ये भारत के दक्षिण भाग से थे, किस भाग से? दक्षिण भाग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, दिया है 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? तो देखिए 15 है और 15 को 10 में करेंगे तो डेढ़ डेढ़ लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2, यानी कि 3/2 यानी कि आड़ लय में हो जाएगी। यहाँ पे दिया है गरे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है? यमन, खमाज, बिलावल, शुद्ध, कल्याण। तो गरे ग प ध नि सा जो है ये स्वर समूह जो है बिलावल का है, ठीक है, इसका है बिलावल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया है धनी रेसा किस राग का अंश है? असावरी, जौनपुरी, दरबारी, अड़ाना। तो ये जो है धनी रेसा ये जो है दरबारी कनाड़ा का है, ठीक है ना, इसका है दरबारी का अंश स्वर है। आइए आगे दिया है राग अड़ाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है? अड़ाना राग मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में, सभी सप्तक में। तो जो अड़ाना राग है वो है तार सप्तक में, ठीक है, किसमें है? तार सप्तक में, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है जाग दरबारी कब गाया जाता है? सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात्रि में, ठीक है। राग दरबारी कब गाया जाता है? सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात्रि में। तो राग दरबारी जो है रात्रि में गाया जाता है, कब गाया जाता है? रात्रि में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? खमाज, तिलंग, काफी, दरबारी। तो इसमें गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो वो राग है दरबारी, ठीक है, कौन सा है? दरबारी राग, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहां दिया है राग का वादी स्वर है सबसे अधिक लगने वाला, सबसे कम लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो राग का वादी स्वर है सबसे अधिक लगने वाला, क्या है? सबसे अधिक लगने वाला, ठीक है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, राग का सरगम गीत लय क्या दर्शाता है? सरगम, रागांग, तलांग, लयांग, मात्रांग। तो सरगम जो है वो रागांग को, राग के अंग को दर्शाता है, ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? स्वर समूह के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, जाति के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो राग की पहचान किससे होगी भाई? स्वर समूह के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? स्वर समूह के आधार पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्रवाद, घनवाद, औनदवाद, सुशीरवाद। तो दिलरुबा वाद्य आप देखेंगे वो है तंत्रवाद्य, ठीक है, तंत्रवाद्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है 29 नंबर, अलारखा खां किनके पिता थे? जाकिर हुसैन, अलाउद्दीन खां, विलायत खां, नेमत खां। तो अलारखा खां किसके पिता थे? तो वो थे जाकिर हुसैन के, किसके थे? जाकिर हुसैन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर, संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को, तीनों के मिश्रण को। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तीनों के मिश्रण को, गायन, वादन और नृत्य, तीनों के मिश्रण को। ये दिया है सप्तक में कितने होते हैं? सप्तक में क्या कितने होते हैं जी? सप्तक में स्वर कितने होते हैं, ठीक है, स्वर कितने होते हैं, या सप्तक कितने होते हैं ये भी हो सकता है, 3, 4, 6, 7। ये हो जाएगा आपका सप्तक में 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भातखंडे स्वर लिपियों में शुद्ध की क्या पहचान है? शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा, कोई रेखा नहीं। तो शुद्ध स्वर में कोई रेखा, कोई चिन्ह नहीं होता है, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, कोई रेखा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? नीचे रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदी, ऊपर बिंदी। तो ये देखिए नीचे बिंदी, ऊपर बिंदी, तो ये तो तार और मंद्र के लिए होता है। यहां पे जो है नीचे रेखा, ऊपर रेखा तो नहीं होता है, एक तीव्र म में ऊपर रेखा थोड़ा सा होता है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होता है, ये खड़ी लकीर होता है। तो यहाँ पे विकृत स्वर के लिए हम लोग नीचे रेखा कर सकते हैं, ऐसे विकृत स्वर के लिए, कोमल के लिए लगाते हैं, ठीक है।
यहां दिया है अलंकारों का निर्माण कैसे होता है, स्वरों से, मात्राओं से, तालों से, लयों से। तो अलंकारों का निर्माण जो होता है स्वर से होता है ना, ये आपका ए सही हो जाएगा। ये दिया है गमा प नी ध मप ध मग, किस राग की पकड़ है, यमन बिहाग तिलंग खमाज। तो यहाँ पे नी कोमल दिख रहा है तो ये खमाज हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खमाज राग। अगला क्वेश्चन दिया है जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजाया जाता है, सितार, गिटार, सरोद, संतूर। तो जमजमा जो बजता है वो है सितार, ठीक है, सितार पे जमजमा बजता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अमजद अली किस वाद्य को बजाते थे, अमजद अली किस वाद्य को बजाते थे, सितार, गिटार, सरोद, संतूर। तो अमजद अली जो बजाते थे वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ 38 नंबर, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे, उस्ताद हाफिज अली, उस्ताद इनायत अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित उदय शंकर। तो ये जो थे पंडित रविशंकर, ये उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, ठीक है। अलाउद्दीन खान जो मैहर घराने के संस्थापक थे और बहुत ही अच्छे सरोद वादक थे। सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है, ये भी कई बार बताया हूँ, सा, ग, मंद्र, मध्यम, प। तो सितार में बाज का तार जो होता है मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है ये बीना सारिका का वीणा का नाम है, रुद्र वीणा, तंजौरी वीणा, विचित्र वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो बीना सारिका का इसमें से कोई वीणा नहीं है, सभी में सारिका रहता है। यहाँ आइए, ये क्वेश्चन है पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है, वीणा, गिटार, सारंगी, दिलरुबा। तो पंडित राम नारायण जो थे वो सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। यहाँ दिया है 42 नंबर क्वेश्चन, आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है, 2/3, 3/2, 3/4, 4/3। तो इसमें आड़ी लय पूछ रहा है ना, तो आड़ी लय को कैसे दर्शाते हैं, 3/2। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन दिया, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कायदा, पेशकारा, गत, परन। तो तबले में फर्रुखाबाद जो है कायदा के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ दिया है तबला में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी, अहमद जान थिरकुवा, करामतुल्ला अलारखा, हबीबुद्दीन। तो इनमें आपको संगत सम्राट की पदवी जो है अहमद जान थिरकुवा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है ये रेला किस वाद्य से संबंधित है, 45 नंबर क्वेश्चन, तबला, मृदंगम, घटम, खंजरी। तो रेला जो है वो है तबला से प्रद, ठीक है, तबला में रेला, पलटा, कायदा ये सारे बजाए जाते हैं। यहाँ दिया है ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं, यानी तिहाई को चक्रधार परन, चक्रधार टुकड़ा, चक्रधार तिहाई, इनमें से कोई नहीं, तो उसको चक्रधार तिहाई कहते हैं, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन दिया है पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे, सितार, सरोद, गिटार, दिलरुबा। तो पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे, सितार, ठीक है, क्या बजाते थे, सितार, मैंने बताया था ना। अगला क्वेश्चन क्या है, शरण रानी क्या बजाती थी, सितार, सरोद, गिटार, वीणा। तो जो शरण रानी थी वो बजाती थी, सॉरी, शरण रानी क्या बजाती थी, ये सरोद बजाती थी, ठीक है ना, क्या बजाती थी, सरोद, ठीक है, सरोज बजाती थी। अगला क्वेश्चन है ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की का मुख्य कार्यालय कहाँ है, बंगलौर में, पुणे में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय जो बना था वो नई दिल्ली में बना था, ठीक है। तो इसी क्रम में आज के ये 50 क्वेश्चन हो गए,
कितना नंबर पाए ये भी कमेंट कीजिएगा, साथ ही लाइक करना ना भूलिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करके कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद नंबर मिल ही गया है, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट, क्योंकि समय कम है। नोट्स और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ ये सारी चीजों के बारे में बता ही दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। और कल डिटेल बात करेंगे कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।